आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू डायफ्रेक्ट एक्स रेज फ्रॉम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम विजिबल लाइट को तो डायफ्रेक्ट कर सकते हैं, हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विजिबल लाइट की डायफ्रेक्शन और उसकी डायफ्रेक्शन फ्रिंजेस जो है वो शो कर सकता है, लेकिन यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से हमारे साथ जो एक्स रेज हैं हम उसको डायफ्रेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका रीजन हमने बताना है। तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लें कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्स रेज को डायफ्रेक्ट नहीं करा सकता। रीजन इसका बड़ा सिंपल है। रीजन इसका है द कंडीशन फॉर डायफ्रेक्शन। एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर डायफ्रेक्शन? द कंडीशन फॉर डायफ्रेक्शन इज अ वेव कैन ओनली डायफ्रेक्ट फ्रॉम दैट ओपनिंग whose diameter is equal to or less than the wavelength of that wave, ठीक है? आपके साथ according to the condition of diffraction, opening जो है वो wavelength से compatible होनी चाहिए, लेकिन Young's double slit experiment में जो slit की opening होती है वो X-rays की diameter, X-rays की wavelength से ज्यादा होती है। मतलब आपका ये हुआ कि एक्स रेज जो है वो इंतहाई शॉर्टर वेवलेंथ की रेज हैं और वो यंग्स डबल स्लिट की जो स्लिट्स हैं उनके ओपनिंग से वो डायफ्रेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन डायफ्रेक्ट द विजिबल लाइट बिकॉज द ओपनिंग ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कंपेटिबल विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट which is in nanometers या जो है वो 10^-7 meters होते हैं, या visible light की जो range होती है वो 400-700 nanometers तक होती है, लेकिन X-rays की जो wavelength है वो visible light से तकरीबन 10,000 times कम है या 1,000 times कम है, तो इसलिए वो Young's double slit experiment से diffract नहीं हो सकता। ये इसकी ग्राफिकल एनालिसिस आप देख सकते हैं। जो एक्स रेज की वेवलेंथ हैं वो इतनी छोटी हैं कि उन्हें ओपनिंग नजर ही नहीं आती, उनको तो बस फ्री स्पेस नजर आता है और वो उससे गुजर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स रेज को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से डायफ्रेक्ट नहीं करा सकते तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्स रेज को स्टूडेंट्स हम क्रिस्टल्स से डायफ्रेक्ट कराते हैं और इस स्टडी को एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। और इससे एक तो एक्स रेज डायफ्रेक्ट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी जो है हमें उस क्रिस्टल की बहुत सी प्रॉपर्टीज का भी पता चल जाता है। तो ये एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी जो है ये जिस तरह हमने चैप्टर 6 पढ़ा था, सॉरी वो तो फिर सेकेंड ईयर में आता है, लेकिन क्रिस्टल की बहुत सी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम उस पे एक्स रेज जो है वो इंसिडेंट कर देते हैं और फिर उन डायफ्रेक्टेड रेज से हम उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी करते हैं। सो एक्स रेज कैन बी डायफ्रेक्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल ओपनिंग्स एंड फॉर दैट पर्पज क्रिस्टल्स आर यूज एंड द स्टडी इज कॉल्ड एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो कंक्लूजन आपके साथ क्या हुआ कि एक्स रेज कांट बी डायफ्रेक्टेड फ्रॉम द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बिकॉज द ओपनिंग ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज और द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज लेस देन द ओपनिंग ऑफ द डबल स्लिट्स। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि लाइट वेव्स जो हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ठीक है। जो आपके साथ मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसमें मैक्सवेल ने कहा कि आपके साथ लाइट जो है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये लाइट जो है इट इज द कंपोजिशन ऑफ द वेरिएशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइट असल में क्या है? लाइट असल में दो मुख्तलिफ फील्ड्स की कंपोजिशन है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लाइट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। सो लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन विच द लाइट प्रोपिगेट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस और वाइब्रेट्स and these vibrations are perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of the wave. So jab ye wave ko perpendicular hue to iska matlab ye waves transverse waves hain, theek hai. Ye aapko is diagram mein ek 3D ke shakal mein nazar aa raha hai,
कि ये तीनों एक्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अभी क्या स्टूडेंट्स हमारे साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है जिससे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में डिफरेंशिएशन कर सके और इनमें हम पहचान सके कि कौन सी वेव ट्रांसवर्स है और कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल है। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ वेव्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम एक डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं और वो प्रॉपर्टी आपके साथ पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी। हमें पता है कि पोलराइजेशन का प्रोसेस सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स कर सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट ये होगा कि अगर लाइट वेव पोलराइज हो गई, इसका मतलब लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, और अगर लाइट वेव पोलराइज नहीं हुई तो इसका मतलब लाइट वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो हम क्या करेंगे कि हम लाइट वेव को एक पोलराइजर से गुजारेंगे। कंसिडर अ पोलराइजर विच विल ट्राई टू पोलराइज अ वेव एंड देन कंसिडर एन एनालाइजर विच विल एनालाइज द वेव इज पोलराइज्ड और नॉट। ठीक है, तो देखिए आपके साथ लाइट वेव्स हैं। ये पहला जो आपके साथ इंस्ट्रूमेंट लगा है दिस इज अ पोलराइजर, और ये दूसरा जो आपके साथ इंस्ट्रूमेंट लगा है दिस इज एन एनालाइजर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पहला डायग्राम जो देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स वेव का है और ये दूसरा डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। देखें पहले डायग्राम में लाइट है और दूसरे डायग्राम में साउंड है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट आपके साथ पोलराइज्ड हो गई है, जो आपके साथ वाइब्रेशंस थे वो सिर्फ एक ही प्लेन में महदूद हो गए हैं, और जब आपने इसको एनालाइजर से गुजारा हॉरिजेंटल एनालाइजर से तो आपको कोई लाइट नहीं मिली। इसका मतलब ये था कि ये लाइट पोलराइज हो गई थी। लेकिन साउंड को देखें, साउंड जो है वो पोलराइज नहीं होता क्योंकि वो आपके साथ एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और उसको आप जितने भी पोलराइजर्स एनालाइजर से गुजारेंगे साउंड को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट नंबर वन में देख सकते हैं लाइट पोलराइज्ड हो गई है, इसका मतलब लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। सो एज वी कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट दैट लाइट कैन बी पोलराइज्ड एंड साउंड कैन नॉट बी पोलराइज्ड, दिस मीन्स दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स इन नेचर एंड साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। कंक्लूजन में फिर आप कह दें कि लाइट कैन बी पोलराइज्ड, देयरफॉर इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। स्टूडेंट्स याद रखें कि जो वेव पोलराइज हो सकती है वो ट्रांसवर्स है, और अगर वेव ट्रांसवर्स है तो हम उसे पोलराइज कर सकते हैं। ये दोनों बातें ट्रू हैं, और अगर किसी वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो हम उसे पोलराइज नहीं कर सकते। इस लेक्चर के साथ, इस क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।